अकाउंटेंट का एक फ्रेंड बना और एक्सीडेंटली उस फ्रेंड से उसका मोबाइल एक्सचेंज हो जाता है। उस मोबाइल पर ऐसी लड़कियों के कॉल आते थे जो सिर्फ रात में उसके साथ मिलना चाहती थी, बाकी कोई भी रिलेशनशिप वो नहीं चाहते। बाद में जिस लड़की से वो प्यार करता था उसी को लेकर उसका ब्लैकमेल स्टार्ट हो गया। अब इस सब के पीछे का राज क्या था, ये हम आज के हमारी मूवी डिसेप्शन 2008 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जॉनाथन को ऑफिस में लेट काम करता हुआ देख सकते हैं। थोड़ी देर में उसके साथ ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय जिसका नाम था व्हाइट, उसे मिलने के लिए आया। व्हाइट कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ और जॉनाथन के बारे में उसने पूछा। जॉनाथन ने कहा कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ और यहाँ के 7-8 अकाउंट में मैनेज करता हूँ। ये दोनों बात करने लग गए और हमें पता चलता है कि जॉनाथन बहुत ही हार्ड वर्किंग है। अपनी एजुकेशन के लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया है, अच्छी स्कॉलरशिप मिलवाई और उसके बाद एक अच्छा जॉब उसे मिल गया। ऑफिस में काम करने वाले बाकी सारे लोग ऑलरेडी रिच थे और उसी वजह से उन्हें जॉब मिला था। वाइट भी कहता है कि मुझे रात रात तक बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, रिलैक्सेशन के लिए वो नशे की सिगरेट यूज करता है। उसने आज ही जॉनाथन को भी ऑफर किया। ये स्मोक करने के बाद जॉनाथन अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लग जाता है। उसने कहा कि मुझे इतना ज्यादा काम होता है तो लड़कियों से मिलना उसके लिए बहुत ही हार्ड है। आज जॉनाथन को वाइट से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। एक दिन जब वो स्टेशन से घर जा रहा था तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की को देखता है। उसे उस लड़की से बात करने की कोई भी करेज नहीं थी, पर उसी लड़की ने उसे कुछ एड्रेस पूछा जिसे वो गाइड कर देता है। ट्रेन में चढ़ने के बाद भी उसी को देख रहा था, पूरी रात वो उसी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसने ऑफिस में व्हाइट को देखा। व्हाइट का ऑफिस कहाँ है इसके बारे में इंक्वायरी कर रहा था, तभी व्हाइट आकर उसे बात करने लग जाता है। उसने पूछा कि क्या तुम टेनिस खेलते हो। जॉनाथन को अच्छा खेलना आता था तो व्हाइट के फ्रेंड्स के साथ इन्होंने ट्राई किया। व्हाइट को जॉनाथन की बैट बहुत पसंद आए, वो एक स्पेशल मटेरियल से बनी हुई थी। जॉनाथन कहता है कि लड़कियां बहुत ब्यूटीफुल थी। व्हाइट ने कहा कि शायद लाइफ में तुम्हारा लड़कियों के साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं आया। फिर उसे अपने घर लेकर जाता है। उसका बहुत ही बड़ा घर था और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स उसने उसे दिखाई। उसे क्लब लेकर जाने वाला था तो अपना एक एक्सपेंसिव सूट वो उसे दे देता है। जॉनाथन ने इस तरीके से कोई भी एक्साइटिंग चीज अपने लाइफ में की नहीं थी। क्लब में एक लड़की जॉनाथन को देख रही थी पर जॉनाथन इस पर बिलीव नहीं करता। व्हाइट ने कहा कि शायद तुम्हारी सूट की वजह से तुम्हें वो लाइक कर रही होगी। अमीर लड़कियों को भी किसी ना किसी की तो जरूरत होती है। व्हाइट ने फिर एक लड़की को कॉल किया, उसके साथ वो होटल चला जाता है। अगले दिन दोनों एक पार्क में मिले। व्हाइट ने कहा कि मुझे क्लाइंट के साथ एक अलग कंट्री में जाना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए वो बाहर ही रहेगा। दोनों के फोन सेम थे और उन्होंने टेबल पर रखे हुए थे तो एक्सचेंज हो जाते हैं। जॉनाथन को ये चीज बहुत ही लेट पता चली, तब तक व्हाइट जा चुका था। अपने बिल्डिंग में आने के बाद जॉनाथन ने मेंटेनेंस वाले से बात की। उसके रूम में एक लीकेज था जिसे वो फिक्स करने के लिए बोल देता है। तभी जॉनाथन को एक कॉल आया। फोन पर एक लड़की थी जो व्हाइट को एक होटल में बुला रही थी। उसे बाद में और एक कॉल आता है, उस लड़की ने उसे एक स्पेसिफिक होटल में बुलाया। जॉनाथन ने उस लड़की को समझाने की कोशिश की पर वो समझी नहीं। जॉनाथन फिर उस लड़की से मिलने के लिए चला गया। रूम में आने के बाद जॉनाथन कहता है तुम्हें मैं जो लग रहा हूँ मैं वो हूँ नहीं, पर लड़की मानती नहीं और कहती कि क्या मुझमें कुछ खराबी है, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी। जॉनाथन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो लड़की उसके साथ इंटीमेट हो गई। अगले दिन जॉनाथन व्हाइट को कॉल करता है। व्हाइट ने पूछा कि क्या तुम्हें कोई कॉल आए थे। जॉनाथन उसे कल रात के बारे में सब कुछ बता देता है। व्हाइट कहता है कि मेरे आने तक जरा एंजॉय करो। मोबाइल में कल रात की तरह बहुत सारे लड़कियों के नंबर्स थे। जॉनाथन एक रैंडम से नंबर को कॉल लगाता है और एक होटल में वो लड़की उसे मिल गई। वो पहुंचने में जरा लेट हो गया तो उस लेडी ने कुछ ऑर्डर कर लिया था। वो कहती कि हमारे रूम में चार्ज कर देना। जॉनाथन कहता है कि मैंने अब तक रूम नहीं लिया है। उस लेडी ने कहा कि जो कॉल करता है उसी को रूम बुक करना होता है, क्या तुम्हें इसके रूल्स के बारे में अब तक पता नहीं है। वो कहती कि हम सब के नंबर एक लिस्ट में है, जब भी किसी को पार्टनर की जरूरत होती है तो हम एक दूसरे को कॉल लगाते हैं, जिसने कॉल किया था वही रूम बुक करता है। हम एक दूसरे के नाम वगैरह नहीं पूछते, हर एक को इंटीमेसी की जरूरत होती है और इसी वजह से सब रिच लोगों का एक ग्रुप था जो एक दूसरे से सिर्फ मिलते थे और उसके बाद कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखते थे। जॉनाथन ने पूछा कि तुम ये सब करते क्यों। वो लेडी कहती कि हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और हमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए होती, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन हमारी नीड्स कंप्लीट हो जाती है। ये सब जॉनाथन को बहुत अमेजिंग लगा और इस लिस्ट का वो पूरा फायदा उठाता है। बहुत सारी लड़कियों से वो मिला। बाद में उसे ये भी पता चला कि जिस लेडी ने उसे ये सब कुछ बताया वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। एक रात ऐसे उसने एक लड़की को कॉल किया। जब वो बार में आई तो जॉनाथन उसे पहचान लेता है क्योंकि वही लड़की है जिसे वो बहुत ही लाइक करता था। रूम में आने के बाद जॉनाथन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, हम स्टेशन पर मिले थे। उसके साथ ये सब करना जॉनाथन के लिए बहुत ही वियर्ड था। जॉनाथन ने उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मना कर दिया।
वो लड़की फिर जाने लग जाती है, पर जोनाथन कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी। ये दोनों बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। जोनाथन को उस लड़की के बारे में सिर्फ ये पता था कि उसका नाम एस से स्टार्ट होता है। उसने उसका नाम गेस करने की बहुत कोशिश की पर वो कर नहीं पाता। वो लड़की कहती कि हम एक दूसरे के नाम नहीं जान सकते। जोनाथन ने पूछा कि क्या हम दोनों एक्चुअल डेट पर चल सकते हैं। वो लड़की कहती कि ये हम कल देखेंगे। उस लड़की का नाम एस से स्टार्ट होता है तो अब हम उसे एस बुलाएंगे। जोनाथन अगले दिन उठा तो एस ने उसके लिए एक नोट लिखी थी जिसमें लिखा था तुम ट्रैक्टर की तरह खराटे लेते हो। जोनाथन को बहुत हंसी आती है, उसे बहुत लाइक करने लग गया था। व्हाइट को कल रात के बारे में सब कुछ बता देता है। पूरे दिन वो एस के कॉल का वेट करता रहा। अलग अलग लड़कियों के उसे कॉल आते हैं पर सबको मना कर देता है। फाइनली रात में उसे एस का कॉल आ ही गया। उसे चाइना टाउन में डेट के लिए बुलाती है। जोनाथन उसके लिए ब्यूटीफुल सा स्कार्फ लेकर आया। एक रेस्टोरेंट में जाकर वो रैंडम से ऑर्डर करती है। जोनाथन ने कहा कि अगर हमें पसंद नहीं आया तो हम क्या करेंगे। एस कहते हैं कि हमें पसंद आ भी सकता है, लाइफ में जरा चांस लेना चाहिए। जोनाथन ने कहा कि जिस रात में तुमसे मिला था तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारे बारे में सोचता आ रहा हूँ। एस कहते कि हम दोनों एक लिस्ट में, मैं तुम पर बिलीव नहीं कर सकती। इनकी डेट बहुत अच्छी गई थी। चाहते हो, एस ने कहा, मैं तुम्हारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती। जोनाथन कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारे फ्लॉज के साथ, तुम्हारी सारी मिस्टेक्स के साथ। एस ने फिर उसे किस किया। इसके बाद वो दोनों होटल में आ जाते हैं। जोनाथन कहता है कि मैं हमारी रिलेशनशिप को स्लोली स्लोली आगे ले जाना चाहता था पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो दोनों इंटीमेट होने लग गए पर एस कहते हैं कि मैं आइस लेकर आती हूँ। जोनाथन कहता है कि तुम यही रोको, मैं लेकर आता हूँ। आइस मशीन के पास एक ओल्ड लेडी थी जो बहुत ही स्लोली स्लोली आइस भर रही थी और इसी वजह से जोनाथन को लेट हो गया। जब वो रूम में वापस आया तो वहां पर ब्लड पड़ा हुआ था। अचानक से पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है। उसके नींद खुलने पर आसपास कोई भी नहीं था। जिस जगह पर ब्लड था वहां पर अब कुछ भी नहीं है। इस सब के बाद जोनाथन पुलिस को कॉल कर देता है और सब कुछ उन्हें बताता है। पुलिस को सब कुछ बहुत ही अजीब लगा क्योंकि जोनाथन को एस के बारे में एक्चुअली कुछ भी पता नहीं था, उसका नाम भी नहीं। उल्टा जोनाथन पर ही शक करने लगे कि वो नशे में होगा। पुलिस ने उसे घर जाने के लिए कहा। जोनाथन इस सब के बारे में बात करने के लिए व्हाइट को कॉल करता है पर व्हाइट का कॉल लगता नहीं। उसे किसी भी हालत में बात करनी थी तो ऑफिस के रिसेप्शन में व्हाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। उसे पता चला कि व्हाइट नाम का कोई भी आदमी उसके ऑफिस में काम नहीं करता। उस दिन जिस आदमी से व्हाइट बात कर रहा था उसे भी कन्फर्म करने की जोनाथन कोशिश करता है और उसे भी इसके बारे में कोई भी पता नहीं था। जिस क्लाइंट के साथ व्हाइट ने कहा कि वो काम पर जा रहा है, वो क्लाइंट ऑलरेडी फ्रैक्चर होकर घर में पड़ा था। जोनाथन भी डायरेक्टली व्हाइट के घर पर आ गया और वहां पर कोई और ही ओल्ड लेडी रह रही थी। वो इस सब से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जोनाथन घर पर आया तो व्हाइट उसका वेट कर रहा था। उसने कहा कि यह बहुत ही ब्यूटीफुल है। जोनाथन फिगर आउट करता है कि ये सब व्हाइट ने किया है। पूछता है कि वो कहाँ है। व्हाइट ने उसे जोर से पंच किया और कहा कि अब मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ वही सब तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारा मंडे से एक नया जॉब स्टार्ट हो रहा है, वहां पर तुम्हारे पास सारा एक्सेस होगा। कुछ अकाउंट्स है जिससे पैसे निकालकर तुम्हें दूसरे अकाउंट में डालने होंगे। जोनाथन कहता है कि पर उन लोगों को पता चल जाएगा। व्हाइट कहता है कि जब उन्हें पता चलेगा तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। वैसे भी वो इलीगल पैसे है तो कोई भी इसके बारे में कुछ भी करने नहीं वाला। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इसको मैं मार डालूंगा। जोनाथन बहुत ही ज्यादा डर गया था। व्हाइट का फोन अभी भी उसके पास है। रात में टीना नाम की लड़की का उसे कॉल आता है। उसने कहा कि 6 महीने हो गए, आज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इसका मतलब है टीना व्हाइट को जानती थी। वो रूम में गया तो टीना कहती कि तुम वो नहीं हो। जोनाथन कहता है कि मुझे व्हाइट के बारे में तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। टीना कहती है कि मैं किसी भी व्हाइट को नहीं जानती। जोनाथन उसे धमकाता है और टीना ने कहा कि आज रात में जिस आदमी से मिलने वाली थी उसका नाम व्हाइट नहीं है, मैं उससे कॉन्फ्रेंस में मिली थी और उसका नाम है जेमी। टीना ने ही व्हाइट को उस लिस्ट के बारे में बताया था। उसे पता था कि जेमी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है पर उससे वो प्यार करने लग गई थी। जेमी का नाम पता चलने के बाद जोनाथन उसके बारे में रिसर्च करता है पर उससे कुछ भी मिल नहीं रहा था। उसने ढोंग किया कि वो एक डिटेक्टिव है और जेमी के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में उसे पता चल गया। उसे ये भी पता चला कि जेमी ने इसी टाइप का फ्रॉड ऑलरेडी किया हुआ है। लास्ट टाइम इसमें जो अकाउंटेंट इन्वॉल्व था उसे भी उसने मार दिया था। जोनाथन फिर जेमी को कॉल लगाता है। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जल्द से जल्द इसको छोड़ दो वरना मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन जोनाथन के लिए पुलिस का कॉल आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तुमने इसका डिस्क्रिप्शन हमें दिया था उसी टाइप की हमें एक डेड बॉडी मिली है। जोनाथन बहुत ज्यादा डर गया। जब वो डेड बॉडी देखता है तो लिस्ट में से फर्स्ट लड़की से जब वो मिला था वही लड़की यहाँ पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो, पर जोनाथन इसके लिए मना करता है। उस लड़की का मर्डर एक स्ट्रिंग से हुआ था। जोनाथन को याद आया कि व्हाइट उसके टेनिस रैकेट में इंटरेस्टेड था।
घर पर जाकर उसने रैकेट को चेक किया तो मिसिंग थी, और उसमें जोनाथन और उस लड़की के फोटोज उसे मिलते हैं। जोनाथन जब स्टेशन पर था तो पीछे से वाइट आकर उसे मिलता है। उसने कहा कि तुम अगर मेरा काम नहीं करोगे तो उस लड़की से बुरा मैं इसको मारूंगा, सारी चीजों के लिए मैं तुम्हें फ्रेम कर सकता हूँ। जोनाथन कहता है कि काम करने के बाद तुम मुझे मार डालोगे। वाइट कहता है कि एक तो इस मरेगी वरना तुम मरने वाले हो, अब तुम डिसाइड करो। मंडे को जोनाथन अपने काम पर चला जाता है। वहां पर जेमी ने उसे एक पार्सल भेजा जहां पर सारे अकाउंट के डिटेल थे। ये सारे पैसे जोनाथन को उसी के नाम के अकाउंट पर जो एक अलग कंट्री में था वहां पर भेजने थे। वाइट इसके बंधे हुए फोटो जोनाथन को भेजता है। जोनाथन डर कर ये पैसे ट्रांसफर करने लग गया। उसका न्यू कोवर्कर आकर उसे बात करता है पर गुस्सा होकर उसे बाहर निकाल देता है। फाइनली उसने काम कंप्लीट कर लिया। जेमी कहता है कि एस तुम्हारे घर पर तुम्हारा वेट कर रही है और इसका फोटो उसे भेज देता है। घर का डोर उसने ओपन किया और पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। पैरेलल में पुलिस को पता चल गया कि जिस लड़की का मर्डर हुआ है जोनाथन उसे जानता था। अब उसकी डेथ होने की वजह से पुलिस के पास कोई भी लीड नहीं थी। जिस कंट्री में अकाउंट है वहां पर जेमी पहुंच जाता है। एस जेमी के साथ इस सब में पहले से इन्वॉल्व थी। वो बहुत ही खुश था कि अब वो मिलीनियर बनने वाला है। इसने पूछा कि जोनाथन का क्या हुआ। जेमी कहता है कि वो बेचारा तुमसे प्यार करने लग गया था पर मैं उसे जिंदा छोड़ नहीं सकता था, मेरी पूरी आइडेंटिटी उसे पता थी। ये सुनकर एस को बहुत बुरा लगा। जेमी को उसे अपसेट देखना अच्छा नहीं लगता। उसे पास बोला अगर उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद वो बैंक में पहुंचा। पैसे निकालने के लिए एस अंदर नहीं जा सकते थे। अंदर जाने के बाद जेमी ढोंग करता है कि वो जोनाथन है, उसे सारे पैसे मिलने वाले थे। तभी अकाउंटेंट ने देखा कि ज्वाइंट अकाउंट है, दूसरा अकाउंट होल्डर वाइट के नाम से है। वाइट समझ नहीं पाता कि यह सब हो क्या रहा है। उसे वे जोनाथन को कॉल आया और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जोनाथन ने कहा कि पैसों में से हाफ पैसे मुझे चाहिए वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जेमी इसके लिए मान जाता है और ये पैसे उन्होंने निकाल लिए। जेमी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहां पर बॉम्ब होगा। जोनाथन ने कहा कि तुमने एक मिस्टेक की, जहां पर तुमने एस का फोटो निकाला था उसके पीछे के वॉल में लीक चल रहा था। जोनाथन उसे एस के बारे में पूछता है। इसके लिए उसे सारे पैसे देने के लिए मान गया था। अब एस ऑलरेडी जेमी को छोड़कर चली गई थी क्योंकि जोनाथन से प्यार करने लग गई थी। जेमी ने कहा कि कहीं और चलकर बात करते। उसने कहा कि एस तुमसे प्यार करने लग गई थी पर मुझे उसके बारे में अब कुछ भी पता नहीं है। वो अपनी गन निकाल कर जोनाथन को मारने वाला था तभी पीछे से एस जेमी को मार डाल दिया। जेमी का पासपोर्ट नीचे गिरा और जोनाथन के नाम से है तो जोनाथन को इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। अगर सारे पैसों के साथ जेमी की डेड बॉडी पुलिस को मिली तो उन्हें लगेगा कि जोनाथन ही था। वो विदाउट एनी चार्जेस अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकता है। सारे पैसे उसने जेमी के पास रख दिया और एस के पास वो चला गया। एस उसे सारी चीजों के लिए सॉरी कहती है। जोनाथन कहता है कि प्लीज मेरे पास रुको, पर एस को बहुत ही बुरा लग रहा था तो वहां से वो चली जाती है। पुलिस के पास कोई भी लीड नहीं थी तो केस को क्लोज कर देते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जोनाथन और एस एक अलग कंट्री में एक दूसरे से फिर से मिलते हैं। एक दूसरे से दूर रह नहीं सकते और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जेमी ने ऑलरेडी $1 million एस को दे दिए थे तो विदाउट वरी ये जी सकेंगे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।